हाय गाइस, व्हाट्स अप, हैप्पी धनतेरस गाइस। ये जो इकट्ठे एकदम से त्यौहार चालू हो जाते हैं ना, और फिर मिष्टी चालू हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग निकल रहे हैं मार्केट। एक्चुअली मैंने सोचा था सुबह व्लॉग शुरू करूंगी, बट फॉर सेवरल रीजंस आई कुडंट। तो अभी शुरू किया है, मैंने सूट पहना है। ये भी एक न्यू सूट है जो मैंने सोचा था कि फेस्टिव सीजन में कहीं ना कहीं काम आएगा। अच्छा, ये सूट और जो मैंने उस दिन रेड सूट पहना था दिवाली शॉपिंग पे, मैंने स्टिच करवाया था, राइट? तो मैंने जहाँ से स्टिच कराया था, लमोर रोज से, मैं उनका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। मुझे इतनी परफेक्ट फिट उन्होंने दिया ना, मैंने मेजरमेंट्स भेजी थी अपनी व्हाट्सएप पे और दोनों सूट कुरियर कर दिए थे उनको, तो बहुत अच्छे सिल के दिए। ये मैंने पैंट्स वाला सिलवाया। वैसे एक्चुअली जो उस दिन सलवार सूट था ना, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आया। मुझे ये भी सलवार सिलवानी चाहिए थी, बट इट्स ओके, एक पैंट्स वाला हो गया, एक वो हो गया। और साथ में मैंने ये पहने हैं, मैंने लिए थे ये मिंत्रा से। आप लोगों ने हॉल में देखा होगा, मिंत्रा वाले में मैंने फुटवेयर लिए थे, काफ़ी काम आ रहे हैं। तो मैंने इयररिंग्स ये पहने हैं, काफ़ी पुराने इयररिंग्स हैं ये। सो आई एम रेडी, कमर रेडी हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि धनतेरस वाले दिन गोल्ड खरीदना बहुत अच्छा होता है। तो मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से कुछ अपने लिए गोल्ड की एक चीज़ लेनी ही थी, तो मैंने सोच के रखा हुआ था कि मैं धनतेरस वाले दिन लूँगी। तो हम लोग उसके लिए निकल रहे हैं। लेट्स सी, अभी मेरे दिमाग में दो तीन ऑप्शंस हैं कि क्या लेना है, दो तीन ऑप्शंस हैं, लेट्स सी क्या लेती हूँ। तो वहाँ जाके पता चलेगा, जो मुझे बहुत पसंद आ गया वही देखेंगे। सो या, लेट्स गो। ओए होए होए, कमू बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये कमल को कुर्ता मैंने गिफ्ट किया था बाय द वे अभी कुछ दिन पहले। हाँ, मैंने कहीं देख रही थी, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया था। बहुत प्यारा लग रहा है। आई चूज वेरी डिफरेंट थिंग्स फॉर यू। यू नेवर हैड अ येलो एंड ग्रीन कलर का कुर्ता, राइट? राइट, गिवन एन ऑप्शन तुम कभी ना सिलेक्ट करो ये, बट अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। इसके साथ मेरे को ये वाला मास्क नहीं पहनना चाहिए। कमल, तेरे को ये पसंद है ना मास्क, आज तो ले ले। कमल रेडी है एकदम, बिकॉज़ उसकी तो कब से नजर है, ये परमानेंट हो गया मेरा। ऐसे करेगा गोगो यार, बाकी सब चीजों के साथ ये अच्छा लगता है। मेकअप लगाओ अंदर, ऐसे उल्टा पहनना इसको, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। देखो ये वाला मैच हो रहा है। कमल तो बहुत हैंडसम लग रहा है यार। लिफ्ट मिलेगी? हाँ जी भेणा, कितने जाना? हाँ जी भेणा बोला था ना मेरे को। हाँ जी बहन जी, हाँ जी पटोला जी, कितने जाना है? पटोला जी लाइन भी मार रहा था एकदम रिस्पेक्ट के साथ। जो मेरे को लगता है ना कि खाली पड़ी होगी मार्केट, उसी दिन ऐसा ट्रैफिक मिलता है। मतलब मार्केट में हम खड़े हैं, मतलब खड़े हैं, अब गाड़ियां आगे भी नहीं जा रही हैं, इतना वो है ट्रैफिक। दुकान ही नहीं मिल रही हम लोगों को। ये तो नहीं है, नहीं नहीं, आर्ट गैलरी लिखा मिला, ज्वेलरी लिखा है। मेरी तुमने बात माननी ही नहीं होती। मानने वाली क्या बात है इसमें? मैंने कहा कि मैंने जब मार्केट में स्टार्टिंग में घुसे थे, मैंने तब बोल दिया था कि कमू नहीं है इतनी स्टार्टिंग में। अब देखो, अब मार्केट एंड होने वाली है, अब जाके अब तुम बोल रहे हो अब आएगी। एंड नहीं हो रही अभी, बहुत आ गया। मिडल ऑफ द मार्केट बोला था मैंने, राइट? एग्जैक्ट मेरे वर्ड्स थे। तो अभी मिडल है हम, देखो तुम वहाँ स्टार्टिंग में घुसते ही बोल रहे थे यही है बस, देख यही होगी, बस यही होगी। यस, ये उधर जाओ जैसे मौका मिले, किसी गली में खड़ी करके आ जाना। तो अभी के लिए मैं सोच रही हूँ, मतलब वो रिंग से, बिकॉज आई लव वेयरिंग रिंग्स, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले रिंग से ही स्टार्ट करूँ, उसके बाद मे बी आई चेक सम पेंडेंट और चेन्स, पता नहीं। मतलब अभी दो तीन चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ लेनी, लेट्स सी व्हाट आई फाइंड इट। बताओ कौन 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 सा अच्छा लग रहा है जी? ये सारे मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ये अंगूठे के लिए। सारी उंगलियों के एक एक ले रही हूँ? नहीं, एक या दो लूंगी। ओके, अच्छा है ना? ये तो आउट कर रही हूँ मैं, तो बहुत ही वो लग रहा है ईस्ट, ये भी आउट कर रही हूँ। मेरे को तो वही पसंद है। रुको देखो, ये वाली देखो, मस्त लग रही है। अच्छा, आप इसमें से ना ये साइड कर दो, निकाल दो, इसको रख लेते हैं। ज्योति को मैंने 5 अपनी चॉइसेस बताई, वो ज्योति ने 1 मिनी सेकंड में रिजेक्ट कर दी। मिनी सेकंड समझते हैं, 5 मिनी सेकंड। तो इसलिए मैं यहाँ से खड़ा हो रहा हूँ। हाँ, और चुपचाप यहाँ आके बैठ रहा हूँ, तुम कर लो सिलेक्ट भाई।
करना चाहिए ना, फिर अच्छे से दिखेगी। बाय, गले से भी बाय करो, बाय, कानों से भी बाय। पटाखे हम लोग वैसे लेते नहीं है, बट शगन करने के लिए मैं बहुत छोटा सा एक ऐसे फुलझड़ी का पैकेट ले रही हूँ शगन के लिए। कमू, सिर्फ शगन के लिए, ठीक है ना? हाँ बच्चा, एक शगन तो करना है यार, सारी नहीं जलाएंगे, एक जला लेंगे, बट शगन तो करना है यार। तो मैं पूरी सारी थोड़ा जलाऊंगी कमू, मैं एक ही जलाऊंगी। वो सिंगल पीस तो ऑब्वियसली देना नहीं था ना उन्होंने। कमल इज लाइक, क्यों ले रही, क्यों ले रही, क्यों ले रही है पटाखे नहीं जलाने? एक तो शगन के लिए, एक फुलझड़ी तो बनती है। घर जाके सारी डेकोरेशन करनी है। उस दिन याद है आप लोगों को जो फूल वगैरह मैं लेके आई थी और वो तोरण वगैरह वो सब लगानी है अभी जाके। लाइट्स आ चुकी हैं, वो भी लगानी है, बहुत सारा काम है। कमल एक्चुअली रोल पैक करा रहे हैं, बिकॉज अभी घर जाके कुक करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, तो रोल्स पैक करा रहे हैं हम, वेज रोल्स, और वो जाके खाएंगे और अपना मैं डेकोरेशन करनी शुरू कर दूंगी। गाइज वी वो बैक, आधा घंटा हो गया हम लोग आए हुए। हम लोगों ने आके थोड़ा सा पेट पूजा किया, ठुस हो चुके थे, तो सबसे पहले खाया और चाय पी। और अब मैंने जो उस दिन डेकोर वाला सामान लेके आई थी वो बाहर निकाल लिया, फूल वगैरह वो करूँगी। ऑल्सो आई हैव टू शो यू गाइज, मेरे को एक इंस्टाग्राम पेज की तरफ से कुछ सामान आया था, उसमें दिवाली के डेकोर के लिए कुछ चीज़ें थी, तो वो अभी एकदम से क्लिक हुई। मैंने एक्चुअली उसको पीआर हॉल के लिए अंदर पैक करके रखा हुआ था कि पीआर हॉल एंड ऑफ द मंथ जब मैं करूँगी तभी उनको दिखाऊंगी और खोलूँगी, बट दिमाग में आया नहीं यार वो दिवाली के लिए ऐप्ट है, एंड आई एम श्योर उन्होंने दिवाली की वजह से ही ऐसी चीज़ भेजी है, तो मैं वो भी निकालती हूँ, वो भी हम लोग कहीं पर लगाएंगे। दिखा देती हूँ जो जो भी चीज़ें मैं मेंशन कर रही हूँ इस वीडियो में, सबके पेजेस जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी, तो देख लेना अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ उनमें से अच्छी लगती है फॉर फ्यूचर आप ले सकते हो। वो पीछे ये पड़ा है उस दिन जो लेके आए थे हम लोग, इसमें से पहले फूल वगैरह निकालेंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मतलब मुझे ना बहुत ऐसे देख के लगाना पड़ेगा चीज़ों को कि मिष्टी ना निकाल ले, खा ले, और पता चले खींच के ले जाए माला की माला। लेट्स सी क्या करती हूँ। सो जिस तरीके से मैं करना चाहती हूँ, आई एम श्योर मैं वैसे तो नहीं कर पाऊंगी, आई हैव टू कीप मिष्टी इन माइंड बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो लेट्स सी, इट्स ओके, डेकोरेशन इज डेकोरेशन, फील होती है मेन। तो अच्छा, वैसे हमने ये कारपेट हटा दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा ये रग मैं हटा चुकी थी, क्योंकि मिष्टी नहीं छोड़ती है इनको, ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है, बट दिवाली के कारण मैंने वापस से बिछा लिया। ऑल्सो यू गाइज हैव नॉट सीन दिस टेबल, सेंटर टेबल सोफे के आगे कभी भी। ये मेरा बहुत पुराना टेबल था जो मैंने कभी असेंबल नहीं कराया था इस घर में आके, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पूरा नहीं आएगा, बट फॉर दिवाली मैंने लगवा लिया इसको। लेट्स सी अगर आगे भी सूट किया तो लगा के रखेंगे। अच्छा लग रहा है यार वैसे, मुझे तो लगता है, पता नहीं इतने टाइम से हम लोगों ने क्यों इसको मतलब असेंबल नहीं करवाया, इतना अच्छा लग रहा है ये। वैसे तो भी कोई चीज रहती रहती ना, रही जाती है। मैं हमेशा सोचती थी कमल सेंटर टेबल करवा लें और फिर रह जाता था, अच्छा लग रहा है। ये आपको मैं दिखाती हूँ सेंटर टेबल की हालत। ये जब एटम छोटा था ना, तो एटम के जब टीथिंग हो रही थी तब एटम ने हर जगह से यही हाल किया हुआ है। देखो तो ये देखो बुरा हाल किया हुआ है। डिजाइनर टेबल को और डिजाइनर बना। हाँ हाँ जी, चलो आप कुशन अंदर लेके जाओ, ये कुशन यहाँ का नहीं है। सोफा यहाँ लगा दिए तो कुशन भी रखो। हाँ करी कुशन रखो यहाँ पे, ये इसने सोफे के का नाश मारा हुआ है, स्क्रैचेस मार मार के, देख रहे हो ये। चल बेटा साइड ओले चल। तो सबसे पहले शुरुआत सेंटर टेबल से ही कर लेती हूँ। जो मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरे को आए हैं कहीं से, बड़ी सुंदर वो लालटेन बोलते हैं इनको, कहो लैंप्स है मतलब वैसे तो, बट वो लालटेन स्टाइल में जो होते हैं वो भेजे हैं, एकदम दिवाली के लिए एप्ट हैं। ऐसे चार आए हैं डिफरेंट कलर्स में। ओह वाओ, तो आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छे लगेंगे ये, है ना? यस। सिंपल लाइट्स मंगाई हैं हम लोगों ने,
ज्यादा कुछ शोशा टाइप नहीं किया है। चार मंगाई है मैंने। मेरा जो प्लान है वो तो यही है कि मैं हर एक लाइट लाइक किचन का विंडो और इस लिविंग रूम का विंडो, ठीक है, अपना सेंटर वाले रूम का विंडो और बेडरूम का विंडो पे, पर ज्यादा ही पतली अगर निकली ना ये तो फिर मैं देखती हूँ यहाँ पे ज्यादा लगा दूँ। इतना शौक है ना त्योहार मनाने का, डेकोरेशन करने का। लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पे थे नहीं तो कर नहीं सके, हम लोग कमल के घर पे थे, बट हाय मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब छोटी थी ना, मतलब कुछ साल पहले तक भी मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं त्योहारों को इतना एंजॉय करूंगी कमल। आई थिंक आफ्टर शिफ्टिंग टू मुंबई मेरे अंदर ज्यादा वैल्यू आई फेस्टिवल्स की और मनाने की त्योहारों को। करेक्ट। आई थिंक मैं पहले ही वैल्यू नहीं किया करती थी फेस्टिवल्स को, मुझे ऐसा लगता था क्या अब क्या दिवाली क्या वो, अब मुझे पता चलता है ओ गॉड। ये सेंटर वाले छोटे रूम में कमल जीत जी ने जिम्मा ले लिया है कि भाई मैं करूंगा। थैंक यू कको। क्या सुंदर लग रहा है टेबल। एंड आल्सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एक यहाँ पे यूज किया है, अभी एक देखती हूँ जहां जहां मुझे लगेगा कि यूज कर सकती हूँ वहां पे करूंगी। डाइनिंग टेबल पे मैंने ये रेड फ्लावर्स लगा के, सेंटर में येलो लालटेन रख के, और ये येलो एंड ऑरेंज फ्लावर्स करती है। टेबल्स वाला काम यही करना है बस, एक सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल, ये हो गया। अच्छा लग रहा है यार। अभी लटकाने वाला दीवारों पे वो करना है, आई हैव टू फाइंड आउट कि मैं किस चीज़ से लगाऊं यार। टेप तो नहीं टिकेगी, वो देखना पड़ेगा, लेट मी जस्ट फाइंड आउट। क्या बात है, क्या बात है, लिट लिट के खुशबू यार, ये तो बहुत बढ़िया टैलेंट होता है पता है। क्या बात है, वेरी गुड यार, क्या बात है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बुध में ही फोटो। कोई बात नहीं, काम जब करते हैं तो ऐसे होता है, इंसान मेहनती इंसान ऐसा ही दिखता है। क्यों भाभी? यस। आपको क्या जेल में बंद किया हुआ? ये क्या है? अच्छा, इसकी वजह से तो मुझे जेल में बंद रहना। अच्छा ठीक है। कमू देख रहे हैं? आयो। ये टैलेंट मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं मैं बना सकती रंगोली। हाथ का जो टेक्निक होता है ना वो बहुत वेरी गुड। मैं तो सिर्फ ये लक्ष्मी जी के पैर लगा रही हूँ यहाँ पे। ये देखो लक्ष्मी जी के पैर बड़े सुंदर से, ये धनतेरस वाले दिन अपनी एंट्रेंस पे लगाते हैं ताकि लक्ष्मी जी को पता चल सके कि रास्ता कहाँ से है घर का। क्या बात कर रही हो? घर के अंदर आ सके। ओ, ये नहीं बताता मुझे। ये देखो इनके पीछे डबल टेप लगी हुई है, ये उतारेंगे और ये हम एंट्रेंस पे लगाएंगे। Yes. दरवाजा मत बंद करो। अच्छा नहीं करना? नहीं। ओके। और एक अंदर को, और कील कहीं पे भी नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस चीज से लगाना भाई। क्या है ना इधर कील, तो इधर है तो क्या, ये क्या, और इधर इधर इनका वाला है। हाँ लगा लो ना। हाँ लगा लो, लगा लो। अरे कील मिल गए। इधर लगाते हैं ना ऊपर, कील नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम हुई। okay. देखो है कितना सुंदर भाभी, ये देखो दूसरा। हाँ, ये भी अच्छा है। हाँ, पर अब ये लगाने की जगह नहीं है किचन। अरे कील नहीं है बाबू, पतली वाली कील चाहिए होगी ना। कील जहाँ मिलते हैं फिर देखते हो। ढूंढू कील। आज हम लोग जगाएंगे टी लाइट कैंडल्स और ये दिए कल दिवाली वाले दिन जगाऊंगी मैं। ये बन रही है खीर। नहीं मस्त प्रॉपर भरेगा, एकदम भरेगा और ज्यादा भी नहीं लगेगी। हुआ भी नहीं हुआ जल्दी। मेरे को हाथ वाली नहीं आती छन्नी चुन्नी में, तो मैं कर लूंगी। नहीं वो छन्नी वाली नहीं आता। ये देख बहुत आसान है, देख कितना अच्छा भर गया। हाँ। इसमें और इसमें फर्क रहे रहे रहे। है कि नहीं, टैलेंटेड मैं हूँ ऐसी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है।
बाकी जो कॉर्नर वैसे वाले है ना तो बॉर्डर से हो जाएगा, वो तो फिर तो हाथ से कर दो, ये तो कम भी लगता है। हेलो गाइस, घर इतना सुंदर सज गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, सारे में फूल ही फूल। गुड जॉब टू यू टू, तुमने कितनी सारी लाइट्स लगाई हैं, सारा शूट किया मेरे करते हुए, काफ़ी हेल्प करी कमल ने। सो या आई रियली होप दैट यू गाइज ऑल्सो इन्जॉयड धनतेरस लाइक वी डिड। हमने तो बहुत अच्छे से मतलब मज़े किए, खूब इन्जॉय किया, घर सजाया, सब कुछ हो गया। अभी मैं व्लॉग को करूँगी एंड, और व्लॉग के बाद में ये मिस्टी है, व्लॉग के एंड में अभी बाय बोलने के बाद बड़े सुंदर सुंदर ब्यूटी शॉट्स, जब अभी क्या है ना रात नहीं हुई है पूरी थोड़ी सी, तो मैं व्लॉग को अभी एंड कर रही हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। एंड में लेकिन आपको थोड़े से ब्यूटी शॉट्स जो हमने घर सजाया उसके शॉट्स सबको दिखाएंगे, तो वो देख के फिर ही वीडियो एंड करना, बंद करना। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब टू हिज चैनल ऑल्सो अगर अभी तक नहीं किया है। एंड आई एम गोना सी यू गाइस सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, हैप्पी धनतेरस। अब मैं मिलती हूँ आपको कल दिवाली वाले व्लॉग में। बाय गाइस।